हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 35 इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले, जिसमें से इम्पोर्टेंट फार्मूले में हम लोग 9 फार्मूले बोले थे इम्पोर्टेंट है। उसमें से हम लोग टोटल 7 फार्मूले का जो है प्रूफ हम लोगों ने किया था। जो एक ही टाइप के जो रिलेटेड फार्मूले थे उसको बोले थे आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। अब देखिए, 2 फार्मूले और बच गए हैं। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ, पहला बोलता 8वां नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ, 9वां नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह है 1/2a log एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। यहाँ पे ए स्क्वायर है। दोनों फार्मूले जो है एक ही टाइप के हैं। दोनों का प्रूफ जो पुट करना है, प्रूफ का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पुट करना है वो आपको पुट करना है अलग अलग एक्स के जहाँ पे फंक्शन। तो सोचिए, अभी जो है 8 नंबर में और 9 नंबर बता देंगे हम लोग, समझा देंगे सिर्फ प्रूफ। एल एच एस में लेट कर लेते हैं, एल एच एस को आई इज इक्वल टू डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स पर क्या पुट कर देंगे, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। जब हम लोग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े हुए थे और इससे रिलेटेड और जो 7 फार्मूले जो हम लोग जो प्रूव किए थे पिछले वीडियो में, तो जब इस फॉर्म में था क्या पुट करते थे, ए साइन थीटा तो ए कॉस थीटा। देन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो देयर फोर ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा बाय हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ देखिए कॉमन है ए स्क्वायर विल कॉमन, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ए से एक ए कट गया, तो हो जाएगा 1/a बाहर, हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos थीटा डी थीटा, तो हो जाएगा 1/a 1/cos का हो जाएगा कितना सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। अब याद कीजिए सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे ही बताए थे। तो सेक थीटा का होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखिए, अभी जो हम लोग का जो आंसर आया है वो थीटा के टर्म में है, और ओरिजिनल जो मेरा जो फंक्शन था, क्वेश्चन था, वो मेरा एक्स में है। मतलब इसको हमको कहाँ क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख देते हैं 1/a log सेक को लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos थीटा टेन को लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सी हो जाएगा 1/a log हो जाएगा 1+sin थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 1/a log और 1+sin थीटा है, इसको आ तो अभी रहने दे ऐसे ही। कॉस को लिख सकते हैं हम लोग √(1-sin²θ), कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि जो है कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग √(1-sin²θ)। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, हो जाएगा 1/a log 1+sin θ, ये 1 इसको लिख देते हैं √(1-sin θ) इंटू
वन प्लस साइन थीटा प्लस सी। अभी क्या, आ तो फिर पहले आप जो है साइन थीटा का वैल्यू पुट करते तब करते, आ तो इसी तरह कर दीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो जगह वन बाय ए लॉग, ये हो गया वन प्लस साइन थीटा बाय रूट, अलग अलग कर देते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा इंटू रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा प्लस सी। इससे एक कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा रूट वन प्लस कितना साइन थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, मतलब इसको आप तो दो बार लिख सकते हैं, इस वो है लिख दीजिए इतना, तो एक ठो कट जाएगा पूरा, तो हो जाएगा वन बाय ए लॉग, तो हो जाएगा दोनों, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो दोनों को एक ही रूट में लिख देते हैं। अब वन प्लस साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा प्लस सी, और इसको लिख देते हैं वन बाय टू, हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा का पावर वन बाय टू प्लस सी। अब बताइए लॉग पावर वन बाय टू है तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वन बाय टू ए लॉग वन प्लस साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा प्लस टू प्लस सी, तो वन बाय टू ए लॉग। अब साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स बाय ए, तो जाएगा वन प्लस एक्स बाय ए बाय वन माइनस हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस सी, तो हो जाएगा वन बाय टू ए लॉग, एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स बाय ए बाय हो जाएगा ए माइनस एक्स बाय ए, ये विल कैंसल प्लस सी, तो कितना हो जाएगा वन बाय टू ए लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। देखिए ये जो फार्मूला था ये हम लोग का आ चुका है, ये हम लोग का क्या है आरएचएस, तो ये हम लोग को क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यदि आप इस फार्मूला को प्रूफ करना चाहते हैं तो सोचिए एक्स के यहाँ पर क्या पुट करने से मेरा फार्मूला में आएगा, तो क्या पुट कर दीजिएगा इसमें, इसमें पुट कर दीजिएगा एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा, तब फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा वन, मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन ऊपर जाएगा तो होगा कॉट थीटा, और कॉट का होता है लॉग कोसेक थीटा प्लस क्या चीज़ कॉट थीटा, कोसेक थीटा लॉग कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब देखते हैं हम लोग इसे, देखते हैं क्या अब जो हम लोग इसी का एक्सरसाइज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अभी तक जो नाइन फार्मूले जो हम लोग देखें ये इम्पोर्टेंट है, थ्रू आउट आपको ये फार्मूले याद ही रखने पड़ेंगे, इन नौ फार्मूले जो लिखे सेवन पिछले वीडियो में और दो अभी, इसी को शॉर्ट में नवरत्न फार्मूला भी बोला जाता है, और ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसको रिजल्ट को थ्रू आउट याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन में आए तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए इस फार्मूला का यूज कर दीजिए, नहीं तो फिर से यदि आप फार्मूला इसका पता नहीं होगा जितना प्रोसेस अभी किए हैं तो उतना हम लोग को फिर से लगा करके वहाँ पुट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, करना पड़ेगा यदि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप फार्मूला को याद रखें, जल्दी बनेगा समझ जो है आसान रहेगा। चलिए और एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 19.12। इसमें भी क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी है लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। इसमें कैटेगरी वन के लिए जो है जो ही हम लोग बताएं ना, और जो कैटेगरी टू इसमें दिया गया है उसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे, लेकिन कैटेगरी टू बताएंगे तब, पहले हम कैटेगरी वन को सॉल्व कर लें उसके बाद कैटेगरी टू को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कैटेगरी वन, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला में दो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर
9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही सेम क्वेश्चन समझिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अब सोचिए इसका फार्मूला, मेन है इसको फार्मूला में ब्रेक कर देना। लेट कर लेते हैं इसको, आई इज इक्वल टू ये कितना है 1/√1 प्लस एक्स 4x² dx। अब आपको याद रखना है कि इस तरह का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, क्या चीज़, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √a² + ax² का क्या था, log x प्लस √a² + x² प्लस c। मतलब इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ले आएंगे, और यहाँ भी इस तरह का फार्मूला पढ़े हुए थे कि 1 क्या है यहाँ पे 1/dx/√a² - x² का क्या था, log x माइनस √a² प्लस यहाँ प्लस ही था, प्लस सी, मतलब रूट अंडर क्या हो जाएगा log, सॉरी यहाँ तो जो है ये जो है फार्मूला गलत लिख दिए हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला था ना साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये तो सिंपल था फार्मूला, कितना साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो दोनों देखिए, दोनों क्वेश्चन को यदि सिर्फ इस फार्मूला में ब्रेक कर दीजिएगा उस फॉर्मेट में, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट कितना है 1 है, तो या तो आप इसको 4 कॉमन ले करके यहाँ पे x² का कोफिशेंट 1 कर दें, या तो फिर इसको 4x² इसको 2x का होल स्क्वायर करके पूरा को इंटीग्रेट कीजिए, लास्ट में जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए पहला तरीका इसको ऐसे बोल रहे हैं, जैसे 1/√ पहले 4 कॉमन ले लें तो जगह 1/4 प्लस x² ये कितना हो जाएगा dx, अरे √4 है तो √4 बाहर निकलेगा, तो जगह 1/2 और जगह 1/√1/4 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² dx। अब देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, तो जो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर देंगे, log कितना था x प्लस √ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस c। अब जो है डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज जो है आप कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा, आ गया है, मत समझिए, ये 1/2 log हो जाएगा x प्लस, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/4 प्लस x² प्लस c, इसी को आ तो यहीं पे आंसर लिख दीजिए, आ तो इसी को ब्रेक करके लिखिए, 1/2 log x प्लस √ ये हो जाएगा 4 प्लस x², और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ √4 होगा, √4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस c इतना। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 log ये हो जाएगा 2x प्लस √ 1 प्लस 4x² बाय 2 प्लस सी। देखिए log m बाय n के फॉर्म में आ गया है, तो 1/2 ये हो जाएगा log 2x प्लस √ 1 प्लस 4x² माइनस 1/2 ये हो जाएगा log 2 प्लस सी। देखिए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट को घटाएंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो देयरफोर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 log ये हो जाएगा 2x प्लस √ 1 प्लस 4x² प्लस k, ये होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। यदि इसी को हम लोग जो यहाँ पे x² का कोफिशेंट 1 किए तो मतलब 4 कॉमन निकालना पड़ा, यदि इसी को आप दूसरे रूप में बनाना चाहें डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में तो हो जाएगा I इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx/√1 प्लस को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वो फॉर्मेट में आ गया है a² + x², a के जहाँ पर है मेरा 1, तो 1 को लिख सकते हैं लो 1 का स्क्वायर। अब इसको फार्मूला लिख दीजिए तो हो जाएगा 1 log x² यहाँ पे x था, यहाँ पे कितना है 2x, तो हो जाएगा 2x प्लस √ जो यहाँ अंदर में था वही लिखा हुआ है, अंदर में ये था तो इसको ही लिख देंगे 1 + 4x² और हो जाएगा प्लस सी। लेकिन ध्यान क्या देना है,
यहाँ पे x था तो नीचे में कितना डिवाइड है, 1। यहाँ पे x का कोफिशियंट है 2, तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड, तो जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस। तो सेम काम हुआ है, यहाँ पे जो है कॉमन लेके किए आप डायरेक्ट इस तरह कर दिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा x का जो कोफिशियंट होगा उससे डिवाइड करना होगा। तो इस तरह ही बनाए तो आंसर तो मेरा वही आया, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे जो है हिंट करके हम लोग छोड़ देंगे। देखिए सेकंड नंबर क्या बोलता है, लेट कर लीजिए आई इज इक्वल टू, ये है डी एक्स बाय रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसको लिख देंगे कितना 5x का होल स्क्वायर, तो dx तो है। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, साइन इनवर्स x बाय ए, तो देयरफोर ए आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए, तो हो जाएगा 5x बाय 3, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशियंट 5 है तो कितना होगा, 5 से डिवाइड प्लस सी, तो देयरफोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x प्लस 3, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3, यही आंसर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ा टफ नहीं है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है कुछ इसी फॉर्मेट पे है, लेकिन वहाँ पे आपको कोई कोई क्वेश्चन मेन था क्या चीज़ कि उसको होल स्क्वायर में ब्रेक करना। अभी ये डायरेक्ट सिंपल जो है होल स्क्वायर में नहीं, डायरेक्ट फार्मूला में आ गया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जब तो उसको आप होल स्क्वायर में ब्रेक नहीं कीजिएगा तब तक इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, मतलब जो फार्मूला पढ़े हैं उसका स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम है उसको क्या करना, उसमें कन्वर्ट करना। जैसे देखिए सेकंड नंबर में जो है दो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एंड सेकंड बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर, ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, उसी प्रकार सेम क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 नंबर, तो इसका जो है ए हो जाएगा सेम है क्वेश्चन नंबर कितना 4। अब उसी प्रकार सेम है डिट्टो, यहाँ पे माइनस 3x है प्लस 2 है, जैसे इसको हम बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन खुद से इसी प्रकार आप कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि वहाँ उसके लिए हमको फिर से सॉल्व करना पड़े। देखिए लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू कितना है, तो डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4। अभी जो है डायरेक्ट यदि इस कोई फार्मूला में क्वेश्चन जो है दिया हुआ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है तो उसको आपको फार्मूला में पहले कन्वर्ट करना होगा। फार्मूला में कन्वर्ट करना होगा कैसे, तो इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करना होगा, तो हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको समझिए ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर चाहे वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशियंट प्लस में है, मतलब यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पर 3x था तो 3/2 करते हैं, 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है सर 2 कहाँ से लाएँ, तो कहाँ से नहीं लाए हैं हम लोग, क्या कि इस फार्मूला में लाने के लिए, इस फार्मूला में लाने के लिए क्या था 2ab, तो अगर 2 इसको ए तो ए दिया हुआ था और बी कितना है 3/9, उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। अब सवाल उठता है क्या ये 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ था क्या, नहीं था, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 था पहले से, हो जाएगा 3/2, हम लोग ऐड किए थे अपने मर्जी से, हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो हो जाएगा डी एक्स बाय, अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक में जो दिख रहा है वो आपका कितना है, एक्स प्लस 3/ ये रूट पहले है, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9/ कितना हो जाएगा 4। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे 4 चौक हो जाएगा 16 में 9 जाएगा कितना होगा, 16 में 9 जाएगा तो 7, तो हो जाएगा 7/4 कितना हो जाएगा 7/4। अब फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, याद कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हर एक स्टेप में आपको जो फार्मूले हैं वो फार्मूला याद होना चाहिए, कि विदाउट फार्मूला आपका जो है कोई भी वर्क होने वाला नहीं है, इसलिए फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ इस फार्मूला के अनुसार एक्स स्क्वायर था, तो एक्स एक्स के टर्म में एक होल स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर है मतलब कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो इसको हमें लिखना होगा डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब सोच रहे इसको भी होल स्क्वायर में लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं 7 को लिख दें रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये आपका डायरेक्ट फार्मूला में आ गया है, जो फार्मूला बगल में लिखे हुए हैं उसी फॉर्मेट का फार्मूला है, सिर्फ उसको आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। फार्मूला क्या था, ये जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, हो जाएगा लॉग, आप तो फिर लिख सकते हैं वी नो दैट करके लिख दिया फार्मूला, क्या है एक्स, तो एक्स यहाँ पर इतना है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर, और जो यहाँ था वही ला उतारा हुआ है, तो जो जहाँ है यही ला उतार देंगे, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए ए वाला टर्म कहाँ से लाए थे, तो इससे लाए थे, मतलब इसके जगह पे पूरा जहाँ पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को ब्रेक करके तो हम लोग इतना लाए हैं, क्या इतना लाए हैं, तो इसको लिख सकते हैं देयरफोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, हो जाएगा 2x प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस सी, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। एक बार आंसर हम लोग मैच कर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, हाँ सही है। कभी कभी आंसर में जो है क्या करता है, तो आंसर में इधर उधर भी देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व सही से करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मेन था ये क्वेश्चन, यदि इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बटा में हो सकता है ऊपर में ही दे दे, आ तो प्लस रहे यहाँ पे माइनस दे दे, तो मेन कॉन्सेप्ट है ये आपको होल स्क्वायर में कैसे ब्रेक किए हैं वो चीज़ समझना, ये समझ में आ गया होगा तब समझिए आधा जो क्वेश्चन होगा उसका आधा पार्ट आप कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड जो है लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू कितना है डी एक्स बाय रूट अंडर 2ax - x2, क्या जो दिया गया जो इंटीग्रैंड में जो फंक्शन है उस तरह का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, तो हमको इस क्वेश्चन को फार्मूला में क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा। तो क्या कर देते हैं, माइनस यदि कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax होगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर माइनस कॉमन लेंगे, अब इसको होल स्क्वायर में लाते हैं तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ए भी है तो प्लस बी स्क्वायर अपने से दिए तो हमें ए स्क्वायर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर माइनस रहने देते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जगह डी एक्स बाय, अब क्या कीजिए इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि अभी ये फार्मूला में नहीं था, ये माइनस बाहर किए थे किस लिए, ताकि हम लोग इसका होल स्क्वायर में ले आए। क्योंकि अभी डायरेक्ट होल स्क्वायर में लाने में परेशानी होता है, इसलिए हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब जब माइनस कॉमन ले, फिर हमको अंत में माइनस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आ गया है ए स्क्वायर माइनस वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो देयरफॉर ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय, मतलब एक्स माइनस ए बाय ए हो जाएगा प्लस सी। इसका हो जाएगा यह रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई टफ काम नहीं है, मेन है हम लोग को क्वेश्चन को समझना। चलिए इसको नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर यह है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोले क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर किसका जैसा था, टू का फर्स्ट का जैसा था। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद जो इस एक टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एट भी जो है क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट जैसा ही था। तो खैर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना थ्री, लेट कर देते हैं इसको। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ये होल स्क्वायर में लाना है तो क्या करते हैं, थ्री हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन करना होगा। तो थ्री कॉमन ले लिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा फोर बाय थ्री प्लस एक्स प्लस वन बाय थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा थ्री बाय ये कितना हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो जाएगा टू इंटू हो जाएगा फोर बाय सिक्स। क्योंकि इसको बैलेंस करते हुए चलना है, फोर बाय थ्री ही बचना चाहिए, इसको यदि कट करेंगे तो कितना होगा फोर बाय थ्री होगा। एक्स प्लस तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो बी स्क्वायर भी चाहिए, तो फोर बाय सिक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। ए टर्म नहीं था तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, मतलब फोर बाय सिक्स, मतलब फोर फोर या सिक्सटीन और बाय थर्टी सिक्स हम लोग माइनस कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो रूट थ्री हो जाएगा ये बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स प्लस फोर बाय सिक्स, फोर बाय सिक्स का होल स्क्वायर। आप तो फिर इसको फोर बाय सिक्स को इसको कर दें ऐसे, एक मिनट फोर को लिख देते हैं टू इंटू टू, ज़्यादा आसान होगा नहीं तो ज़्यादा लंबा टर्म हो जाएगा यार। इसको करते हैं फोर को ही बदल देते हैं, लिख देते हैं टू इंटू टू, इस फोर है इसी को लिख देते हैं टू इंटू टू, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए मेरा कितना हो जाएगा या टू बाय थ्री का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा टू टू जब फोर और बाय नाइन। ओके हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर को ही लिख दिए टू इंटू टू, मतलब फोर बाय थ्री एक्स प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हमको बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर था नहीं तो हम लोग ऐड किए तो हमको सबट्रैक्ट कर दिए, बी स्क्वायर तो फोर बाय नाइन से वह माइनस में। तो अब ए कितना हो जाएगा x प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा नाइन और यहाँ हो जाएगा थ्री माइनस फोर, ये कितना होगा यार डी एक्स, हो जाएगा रूट अंडर थ्री हो जाएगा रूट अंडर x प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस वन बाय नाइन, और प्लस और माइनस डायरेक्ट यहाँ माइनस कर देते हैं, हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा रूट थ्री। ये आ गया देखिए एक्स प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री का स्क्वायर डी एक्स। अब बस खाली आपको जो है फार्मूला में लिख देना है, फार्मूला यदि आपको नहीं है तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फार्मूला क्या था, हाँ तो लिख दीजिए यहाँ पे वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हम लोग का इतना लंबा इसका फार्मूला था। तो ये जो फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, यदि आप फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे क्या था, प्लस था। अब देखिए एक जो है क्वेश्चन जो दिया आई जो है कुछ इसी फॉर्मेट में आ गया है, सिर्फ क्या कर देना है इसको इसके अनुसार से आप इस फॉर्मूला के अनुसार ब्रेक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पर कितना है, x प्लस टू बाय थ्री है, एक यहाँ पर है वन बाय थ्री, पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट अंडर थ्री, फिर कितना हो जाएगा जी x इंटू इतना, तो x यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा x प्लस टू बाय थ्री इंटू रूट अंडर, हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसी को पूरा लिख देते हैं, तो जाएगा कितना x प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री का स्क्वायर और बाय ओवरऑल पूरा हो जाएगा बाय टू, फिर हो जाएगा कितना माइनस ए स्क्वायर बाय टू, तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा वन बाय थ्री का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा वन बाय नाइन और वन बाय नाइन इंटू टू तो हो जाएगा कितना वन बाय नाइन इंटू टू एटीन, तो लिख देते हैं वन बाय एटीन लॉग एक्स मतलब हो जाएगा एक्स प्लस टू बाय थ्री प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको पूरा लिख देंगे हो जाएगा एक्स प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस सी। अब सिंपल जो है उसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है। यदि सिंप्लीफिकेशन में यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तब आपका आंसर नहीं आ सकता है, अन्यथा नहीं तो आपको आंसर आ जाएगा। तो मेन काम है क्या चीज़, ये जो टर्म था इसको सॉल्व करना, क्योंकि इसी को सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। यदि उसको सॉल्व की जगह इसको रफली सॉल्व करते हैं वहाँ पर रख देंगे, ये कितना था जी अभी इसी को लाए थे, ये कितना था एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू टू ए बी मतलब हो जाएगा फोर बाय थ्री एक्स प्लस फोर बाय नाइन, फोर बाय नाइन और माइनस हो जाएगा वन बाय नाइन, तो हो जाएगा रूट अंडर ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाय थ्री, इसको सोल्व कर देंगे हो जाएगा थ्री थ्री बाय नाइन, थ्री बाय नाइन मतलब हो जाएगा ये वन बाय थ्री एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बाय थ्री। अब जो है इसको इतना हम लोग सॉल्व करके कितना लाए हैं, रूट अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, अब इसी को डायरेक्ट हम लोग इतना इसके यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर थ्री, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा टू एक्स थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री मतलब थ्री टू जाए डायरेक्ट इतने सिक्स, क्योंकि यहाँ से थ्री यहाँ टू, अब इसको भी सॉल्व किए तो कितना आया जी, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बाय थ्री और हो जाएगा माइनस ये वन बाय एटीन इंटू यहाँ लिख देते हैं लॉग, ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री प्लस रूट अंडर ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बाय थ्री। एक बार हम आंसर चेक कर लें आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, नहीं तो रुक जाइए, ये कितना है ये हो जाएगा रूट अंडर थ्री, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू बाय सिक्स और हो जाएगा रूट अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, इसको रूट से बाहर कर देंगे होगा रूट थ्री। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री इससे भी और इससे भी, तो हो जाएगा इंटू रूट थ्री और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री बाय एटीन हो जाएगा लॉग हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री प्लस रूट अंडर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस सी, ये यहाँ से यहाँ ये कट गया। अब देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, कितना नंबर था क्वेश्चन नंबर था थ्री, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपका आंसर यही दिया हुआ है सिंपल यही, तो देयरफोर कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ये आपको पूरा दिख रहा है ना, देयरफोर ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू
थ्री एक्स प्लस टू बाय सिक्स इंटू रूट अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस रूट अंडर थ्री बाय एटीन लॉग ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बाय थ्री प्लस सी इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री तक डिस्कस किया। देखिए ये फॉर्मेट में आसान था लेकिन आंसर फार्मूला में भी ले आए, लेकिन मेन था इसको क्या करना, कन्फ्यूजन थोड़ा सा था कैलकुलेशन करना। यदि आप एग्जाम में जो है इतना ही करके छोड़ दीजिएगा तो यदि वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन है, जैसे बोले क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट जैसा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर, और सेम उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर एट, मतलब क्वेश्चन नंबर टू का वन फोर, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा टू का फर्स्ट फोर एंड क्वेश्चन नंबर एट, ये क्या है सेम। तो जैसे टू का फर्स्ट बताए हैं उन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। अब लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर फाइव आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।